आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारा प्रश्न है, एक दिन में मनुष्यों द्वारा निकलने वाले मूत्र की मात्रा है और हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि मनुष्य है वो एक दिन में लगभग कितने लीटर मूत्र है वो बाहर निकालता है और कितनी यूरिया उत्सर्जित करता है या उसका पीएच क्या रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूत्र क्या होता है। मानव शरीर में मूत्र क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, ये क्या एक तरह का अवशेष होते हैं जो हमें शरीर से बाहर निकालने होते हैं। इसमें मुख्यतः क्या रहता है, यूरिया का उत्सर्जन हम करते हैं, इसीलिए मानव को क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है। यानी जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूत्र का पीएच रहता है वो कितना रहता है। ये लगभग 6 के आसपास रहता है, 6.0 पीएच होता है मूत्र का। और क्या होता है, यानी 6.0 क्या होता है, अम्लीय होगा, ठीक है। और क्या होता है, प्रतिदिन औसतन लगभग क्या होता है, 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है एक मनुष्य है वो, औसतन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है और इसकी मात्रा लगभग रहती है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र है वो एक मनुष्य एक दिन में उत्सर्जित करता है। ये कम और ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है शरीर की क्रियाओं पर, शरीर की सक्रियता के स्तर पर। इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर, थोड़ा अम्लीय होगा, पीएच होगा 6.0 और मूत्र में 25 से 30 ग्राम यूरिया होती है। तो ये हमारा सही आंसर है यहाँ पे, 1 से 1.5 लीटर, थोड़े अम्लीय, मूत्र में 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।